जिहड़ी हाई कमांड उन्हां दी आ उही हाई कमांड साडी आ। इस कमरे के सारे वर्करां दी, सारे एमएलएआं दी, सारे कंटेस्टेड कैंडिडेट्स की, पीसीसी प्रधान ने, सीएलपी लीडर ने और सारी सीनियर लीडरशिप ने मीटिंग ली और उन्होंने इत्थे बैठ के कहा भी हाई कमांड वल्लों सानू कोई दिशा निर्देश दिया अलायंस दे। हुण इन्हां दी कोई अगर वक्री हाई कमांड आ, उन्होंने वक्रे दिशा निर्देश देते आ ते उह उन्हां तों पुछिया जावे। इदां मैनूं लगूगा भी इह भाई जिहड़ा अलायंस हो रहा आम आदमी पार्टी का जां कांग्रेस का, यह गलत हो रहा। मैनू बाहर कहण की लोड़ की है, मैं अपने लीडरशिप नूं कहूंगा भाई भी आ लो बहुत हो गया। साहब रवनीत बिट्टू जी ज़्यादा काले आ, उन्हां नूं आ भी छेती छेती अलायंस हो जाए। असीं भी उन्हां नूं कहिंदे आ अगर इन्नी हाईकमांड की गल हुंदी आ तुसीं टिकट ही सीधी उधरों लै लो। पार्टी च मैं एमएलए भी रहना, इस पार्टी च मैं बड़े तो बड़े अहुदे भी लैने आ, तो फिर कहना मैं पार्टी की गल तो मानता नहीं, वो किवें हो सकता मैं कि उस गल किसी नूं नहीं पसंद अपनी पार्टी आके कह सकता नहीं भी आ लो मेरा इस्तीफा। तुम इलेक्शन लड़ो जी सदके लड़ो, लेकिन यह कहना भी तुम छड़ के चल जाओ कौन होंगे बई हूँ तुम किसी दायरे च। मैं पहला असी उत्तों हाई कमांड आ जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब वो तो नाल बैठे आ, तो मैं थले जाके कही जावा अपने वर्करा नूं भी नहीं जी। तो की मतलब इन्हों का मतलब अभी छड़ के चल जाएंगे? नहीं, स्टेट का वर्कर मन रहा धक्के अलायंस करा लेंगे कि धक्के अलायंस हो जूगा वर्करा का। D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं इंद्रजीत सिंह टवाणा स्वागत करता हाँ। वड्डी खबर कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी के गठजोड़ नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। तुम दस दिए कि भारत पद्धर से तो इन दोवां पार्टियों में गठजोड़ हो गया है, पर पंजाब पद्धर से इन दोवां के गठजोड़ में हाले भी सस्पेंस जारी है। कई लीडर वालों कहा जा रहा है कि दोवें पार्टियां एक ने, पर कई वालों कहा जा रहा है कि इन्हां विच कदे भी गठजोड़ नहीं हो सकती है। इसे दे चलते कांग्रेस के MP रवनीत बिट्टू का बयान सामने आया सी, जिन्हां कहा सी कि देश पद्धर से दोवें पार्टियों में गठजोड़ हो गया है तो यह गठजोड़ सही है। इस चलते नवजोत सिंह सिद्धू वालों भी कहा जा रहा है कि हाईकमान ने जो फैसला किया है वह सही है, पर पंजाब कांग्रेस के कई लीडर इस दे खिलाफ हैं। उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी में कदे भी गठजोड़ नहीं हो सकता। इस चलते रवनीत बिट्टू को यूथ कांग्रेस के प्रधान बलविंदर सिंह ढिल्लों वालों जवाब दिया गया। उन्होंने कहा है कि जेकर रवनीत बिट्टू आम आदमी पार्टी की टिकट लैके चोण लड़ना चाहते हैं तो वह लड़ लैन, उन्होंने बहुत काली है। उन्होंने वालों रवनीत बिट्टू के निशाने साधे गए हैं और तुम भी सुनो उन्हों का की कहना है। जिहड़ी हाईकमांड उन्हां दी उही हाईकमांड साडी आ। इस कमरे के सारे वर्करां दी, सारे MLA दी, सारे कंटेस्टेड कैंडिडेट्स की, PCC प्रधान ने, CLP लीडर ने और सारी सीनियर लीडरशिप ने मीटिंग लीती और उन्होंने इत्थे बैठ के कहा भी हाईकमांड वल्लों सानू कोई दिशा निर्देश दिया अलायंस दे। हुण इन्हां दी कोई अगर वक्री हाईकमांड आ, उन्होंने वक्रे दिशा निर्देश देते आ ते उह उन्हां तों पुछिया जावे। उही हाईकमांड ने सानू कहा सीगा भी साडी हाले कोई अलायंस की गल नहीं आ इन्हां नाल। एक ओवरऑल इंडिया अलायंस के आम आदमी पार्टी भी सहयोगत आ, असी भी हाँ। केरला के CPI और अपना की कहते कांग्रेस पार्टी आ, KC वेणुगोपाल जी जिहड़े मीटिंग के मैंबर आ, उत्थे भी कोई अलायंस नहीं होगा। लेकिन शायद रवनीत बिट्टू जी ज़्यादा काले आ, उन्होंने आ भी छेती छेती अलायंस हो जाए। असी भी उन्होंने कहने अगर इन्नी हाईकमांड की गल हुंदी आ तुसीं टिकट ही सीधी उधरों लै लो, जो तुम पक्का ही पता वा तुहाडी सीट पता नहीं किहड़े कोटे च आनी किहड़े कोटे च नहीं आने। हाले तो किसी को पता नहीं, सीनियर नेता वा आम आदमी चो लै लो, उन्होंने निजी संबंध भी चंगे आ। उ अगर मैं ये गल कहना भी तुम रिजाइन कर दो भी तुहानू ज़्यादा अलायंस की काली है तो तुम कर लो उधरों टिकट लै लो, तुहाडे निजी संबंध ज़्यादा चंगे हो सकते उधर। लेकिन एवें बिना किसी को वर्करां दे सेंटीमेंट दे नाल ना खेडो, हाईकमांड भी वर्करां दी आ। इत्थे इत्थे वर्करां दी आवाज़ सी, कोई CLP दी आवाज़ नहीं सी, मेरी आवाज़ नहीं सी। इत्थे आ हुण आ भी वर्कर बैठे आ, साडे ब्लॉक प्रधान बैठे आ, ब्लॉक प्रधानां दी मीटिंग होई, उह सारिआं दी इह गल सीगी। अगर इन्हां नूं ज़्यादा मतलब काली आ भी अलायंस अज ही डिकलेयर करदे ने ते फिर इह तां कोई तरीका नहीं रहा ना जी। एक वर्कर असीं भी एक छोटे जिहे वर्कर आ, साडा भी सेंटीमेंट मन्निआ जाऊगा। ठीक है, तुसीं इलैक्शन लड़नी हो सकदी आ, तुसीं इलैक्शन लड़ो जी सदके लड़ो, लेकिन यह कहना भी तुसीं छड्ड के चल जाओ कौन हुंदे आ बई, छड्ड के जाना या नहीं जाना ये थोड़ा डिसाइड करनगे। हाईकमांड की गल नहीं मन के भी अगर पार्टी च रहना ये कांग्रेस का रहा वा नहीं, अगर मान लो असीं उन्हां दी ये गल नूं मनदे ते की मतलब इन्हां दा मतलब आ बई छड्ड के चल जाणगे। नहीं, स्टेट का वर्कर मन रहा, धक्के नाल अलायंस करा लांगे कि धक्के नाल अलायंस हो जूगा वर्करां दा। और यह पता नहीं हाले भी कि सीट पर किन्ने लड़ना, साढ़े तो 6 MP आ। प्रनीत कौर जी उधर चले गए, अपना की कहिंदे चौधरी साहब का डैथ हो गई,
सो अगर इन्हां छेयां नूं लगता भी यह सीट शेयरिंग हो जूगी भी छे साडियां ते सत्त उन्हां दियां ते यह फिर गलत फहमी हैगी बहुत वड्डी। पंजाब कांग्रेस पार्टी का बड़ा क्लीयर स्टैंड आ, मेरा स्टैंड नहीं आ, मैं बहुत छोटा जिहा वर्कर हाँ भी इस मीटिंग च हुई सी भी पीसीसी प्रधान राजा वड़िंग जी, कांग्रेस लैजिस्लेचर पार्टी के लीडर सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी, वो क्लीयर 15 नूं वर्किंग कमेटी में जा रहे हैं जिस दिन वो जा रहे 16 तरीक नूं, उत्थे भी ये स्टैंड स्पष्ट कराणगे भी पंजाब दे विच इन्हां नाल कोई अलायंस नहीं हो सकता। तुहाडा नैशनल पद्धर ते अलायंस हुंदा जी सदके करो, सानू उहदे विच कोई इतराज नहीं, वो पार्टी का, लेकिन पंजाब की लीडरशिप पंजाब का अलायंस जिहड़ा वा वर्करां की भावना नूं समझदे होए ये अलायंस नहीं पॉसीबल आ पंजाब दे विच, प्रैक्टिकली पॉसीबल नहीं आ, ना वर्करां ने मन्ना ना लीडरां ने मन्ना और ना किसी आम धक्के अलायंस करना वा तो वह कोई फायदा नहीं है। तो दस दिए कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग कई होर लीडर इस गठजोड़ के बिल्कुल खिलाफ ने, उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि उन्होंने वालों कांग्रेस की हाईकमांड में भी यही सलाह दी जाएगी कि पंजाब विच कदे भी आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस विच गठजोड़ ना किया जाए। इसे दे चलते आम आदमी पार्टी के लीडरों वालों भी इस गठजोड़ का विरोध किया जा रहा है। हुण देखना होगा कि हाईकमान की फैसला करती है। कैमरामैन जॉनसन दे नाल महेंद्र सिंह टवाणा, D5 चैनल पंजाबी। निडर हां, निरपक्ष हां, आजाद हां, सच कहां, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बनांगे बुलंदवाज, खेत सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज चंदावा ते तुसी वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।